नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वायनाड की जंग। वायनाड लोकसभा उपचुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी इस बार चुनावी मैदान में है। भले ही कांग्रेस के लिए ये सुरक्षित सीट मानी जा रही है, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए ये पहली चुनाव की अग्नि परीक्षा है। प्रियंका का मुकाबला राज्य के सत्तारूढ़ एलडीएफ सत्यन मोकेरी उसके कैंडिडेट और बीजेपी की अनव्या हरिदास से है। दोनों स्थानीय प्रत्याशी हैं। दरअसल वामपंथी शुरू से मान रहे थे कि राज्य में बीजेपी के मजबूत होने से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। बीजेपी के मजबूत होने से वामपंथ को नुकसान हुआ। साल 2008 में बनी वायनाड की सीट शुरुआत से ही कांग्रेस के लिए सुरक्षित रही है। 2009 से कांग्रेस लगातार यहां से जीत दर्ज कर रही है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग और वोट शेयर घटने के बावजूद कांग्रेस की जीत हुई। साल 2009 में कांग्रेसी नेता एमआई नवाज यहां से पहली बार सांसद बने और 2018 तक सांसद रहे। इसी साल उनका निधन हो गया। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी यहां से लड़े और 64.8% वोट लेकर उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने माकपा उम्मीदवार को 4.32 लाख वोट से हराया। 2024 में राहुल 3.64 लाख वोट से जीते। अब देखना है कि इस बार वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देती है या नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है। और प्रियंका गांधी वायनाड के साथ अब चुनावी मैदान में अपनी अपारी को आगाज देने के लिए, उसका आगाज करने के लिए उतर चुकी हैं। वोटिंग के बाद आज ही वोटिंग है और वोटिंग के बाद जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि प्रियंका गांधी का स्ट्राइक रेट शुरुआती दौर से कैसा रहा है। और इसका लिटमस टेस्ट अब आज ही है। ऐसे यदि वायनाड सीट की जो हम बात कर रहे हैं, वायनाड सीट केरल में पड़ता है और राहुल गांधी इस बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, एक वायनाड और एक रायबरेली। दोनों सीटों पर वह चुनाव जीत गए। ऐसे में उन्होंने रायबरेली को सीट को अपने पास रखा और वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी। अब वायनाड की सीट उन्होंने जो छोड़ी है तो उसी के साथ प्रियंका गांधी के कंटेस्ट करने की वहां से बात शुरू हो गई। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, उनके भाई लड़े थे, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय से ही यह बात तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे थे कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में अब कूद जाना चाहिए, प्रियंका गांधी को पार्टी के तरफ से कहीं से कैंडिडेट जरूर बनाना चाहिए। और राहुल के इस अभेद किला को क्या प्रियंका गांधी भेद पाएंगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी के इर्द गिर्द हम अपने चर्चा को रखेंगे, जारी करते हैं, इसे शुरुआत करते हैं। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित गर्ग साहब, डॉक्टर सुमित गर्ग साहब कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। वहीं शुभम हेला भी हमारे साथ बतौर प्रवक्ता सीपीआईएम इसके तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप ही के पास आते हुए, आज का जो दिन है वह प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस उम्मीद के साथ थे कि प्रियंका गांधी कब चुनावी मैदान में उतरेंगी, कब कांग्रेस के साथ वो एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। हालांकि चुनाव प्रचार तो उन्होंने बहुत किया है। ऐसे में वायनाड सीट ही चुनी गई जो खासकर कांग्रेस की बेहद पसंदीदा सीट है। वहां पर हमेशा कांग्रेस जीतती है, राहुल गांधी साहब ने वह सीट छोड़ी। ऐसे में आपके लिए कितनी उत्साह की बात है और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप प्रियंका गांधी के नतीजों को लेकर कितना आश्वस्त हैं और क्या आपको लगता है कि विथ अ बैंग प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचेंगी? कुणाल जी नमस्कार। कुणाल जी, जैसे आपने कहा कि आज का दिन प्रियंका जी के लिए बहुत बड़ा दिन, निसंदेह
और केवल प्रियंका जी के लिए ही नहीं, हम कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। और क्यों ना हो, हमारी नेत्री, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी वर्षों से इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही थी। वो चाहती थी कि किसी भी रूप में कांग्रेस मजबूत हो, और इसके चलते उन्होंने अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर रखा और संगठन में ही अपना सारा समय देने का निश्चय किया। लेकिन आज समय आया जब उन्होंने निश्चय किया कि वो चुनावी राजनीति में जाएंगे, और आज वो वायनाड से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के रूप में भाग ले रही है, हिस्सा ले रही है। तो हमारे लिए ये बड़ा खुशी का और गर्व का विषय है कि हमारी नेता आने वाले दिनों में इस देश की महापंचायत में कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जहां तक आपने कहा 23 तारीख को लेकर आप कितने उत्साहित हैं, हम उत्साहित भी हैं और हम सुनिश्चित भी हैं। कुणाल जी यकीन मानिए, ये चुनाव केरल की जनता, वायनाड की जनता प्रियंका गांधी जी को आशीर्वाद दे चुकी है, विजयश्री का आशीर्वाद दे चुकी है। 23 तारीख को ये तय होना है कि पूर्व में हमने जो रिकॉर्ड बनाए थे वायनाड में, उनसे हम कितना आगे जाते हैं, प्रियंका जी उनको कितना आगे ले जाके तोड़ती है, कितने मार्जिन से तोड़ती है। केवल इस चुनाव में एक यही कहानी बची है, बाकी जहां तक इस चुनाव का सवाल है, आदरणीय प्रियंका जी इसको जीत चुकी है। ओके डॉक्टर साहब, लेकिन एक और सवाल इसके साथ भी बनता है, यदि आप वायनाड की ही बात करते हैं तो वायनाड में कांग्रेस का शुरू से एक्सेप्टेंस रहा है, बतौर कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी साहब का भी एक्सेप्टेंस रहा है, तो क्या उतना ही एक्सेप्टेंस, उससे कम, उससे ज्यादा आप कैसे आंकते हैं प्रियंका गांधी, जब खुद वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और इस बार कंटेस्ट थोड़ा सा टफ इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, एलडीएफ में भी कैंडिडेट है, तो क्या कुछ वोटों के समीकरण इधर उधर हो सकते हैं या आप अभी भी प्रचंड बहुमत से जीत के लिए आशान्वित हैं? कुणाल जी होंगे थोड़े समीकरण इधर उधर होंगे, हाँ, और वो इस वे में होंगे कि प्रियंका जी एक नया इतिहास वायनाड की धरती पर रचेंगे। जो प्रियंका जी को आशीर्वाद राहुल जी को जो वायनाड की जनता ने दिया था, हम सुनिश्चित है कि उससे ज्यादा आशीर्वाद वायनाड की जनता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को देने जा रही है। ओके, शुभम हेला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शुभम हेला साहब, आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप एलडीएफ की तरफ से भी कैंडिडेट है, बीजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट है और एक बहुत बड़ा चेहरा है उनके काउंटर पार्ट पे बतौर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ते हुए। ऐसे में आपको जब लगा था कि धीरे धीरे केरला में बीजेपी मजबूत होती जा रही है तो संभवतः आपने सोचा था कि कांग्रेस को ही उससे नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट, नुकसान लेफ्ट को हुआ। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वायनाड एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट है और वहां पर अपना कैंडिडेट उतारना मात्र एक फॉर्मेलिटी है, या फिर आपको इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी लगता है? शुभम साहब नमस्कार, सभी दर्शकों का और आपका भी। देखिए, वायनाड की जनता का सवाल है, वायनाड के जो संसदीय क्षेत्र में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव को आप अगर उसकी गंभीरता को देखेंगे, उसके जो संदर्भ में देखेंगे, तो केरल की जो जनता है वो एलडीएफ के साथ है, सीपीआईएम के साथ है। हमारी पार्टी की सरकार वहां पे जब से सत्ता में आसीन हुई है तब से लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। अभी आपने अपने वायनाड में देखा अभी किस तरह से वहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा आन पड़ी थी, उसके बाद वहाँ की सरकार ने, एलडीएफ सरकार ने कॉमरेड पिनरई विजन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से एक सराहनीय कार्य करके लोगों को, अभी तक बहुत सारे कार्य बाकी है लेकिन प्रोसेस में है और कार्य कर रही है। लेकिन लोकसभा का चुनाव, ये मैं बोलूंगा तो थोड़ा खराब लग जाएगा, लेकिन कुछ तथाकथित मीडिया इस देश के अंदर में इसको एक बाइनरी के रूप से प्रस्तुत करते हैं, या तो भाजपा या तो ए ना तो बी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं। हर राज्य की जनता की अपनी मांगे हैं, अपनी हैबिट्स हैं, यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आकलन करके ही आम चुनाव हम लड़ते हैं। लेकिन एक दो पोल के अंदर चुनाव हो, ये कभी भी, ये संसदीय प्रणाली जो हमारे अंदर, जो ये बहुत्ववाद है, जो हम मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर रहते हैं, वो ये करना सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को किससे लाभ हुआ और भाजपा को, देखिए भाजपा कभी भी किसी भी प्रदेश में स्थापित हो, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सेकुलर या जो जनहित ऐसी जो भी शक्तियां हैं उनके लिए ये नुकसानदेह है। गरीबों के अंदर में हिंदू मुसलमान का दंगा कराना, उनको उनके अधिकार से वंचित करके
उनको धर्म के नाम पे धर्म की आग में उलझा देना, सांप्रदायिकता के आग में गरीबों के घर जलते हैं और भाजपा अपनी रोटी सेकती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि केरल में भाजपा को कुछ सीटें मिली जिनसे वो थोड़ा मूव कर पा रहे, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी भाजपा फिर शून्य पे खड़ी दिखेगी आपको। और जहां तक प्रियंका गांधी और वायनाड की कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट प्रियंका गांधी का सवाल है, तो संसदीय व्यवस्था में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम इस लड़ाई को और इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वायनाड की जनता हमारे साथ है। हेला साहब, लेकिन देखिए आपने बात की ना, आपने वायनाड की सीट को सब्स्टिट्यूट जैसा यूज करना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये गलत है। वायनाड की जनता नहीं, ठीक है, वो तो कांग्रेस को समर्थन दी थी, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, वो तो रिजल्ट से पता चल जाएगा कि किसकी एक्सेप्टेंस है और क्या सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करना कितना प्रासंगिक है। लेकिन हेला साहब, आपने बात की चुनावों की, जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, आप स्टेट इलेक्शंस में जरूर आप रूल करते हुए आ रहे हैं, आप आज भी सत्ता में हैं, लेकिन यदि लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, जनरल इलेक्शंस की बात करें, तो वहां पर समीकरण, वोटिंग पैटर्न, लोगों का मन, मुद्दे, कई चीजें ऐसे होती हैं जो अलग हो जाती हैं। और एक इतना बड़ा चेहरा है बतौर प्रियंका गांधी, वो डेब्यू कर रही हैं, तो क्या आप अब भी अपने हौसलों को बुलंद रखे हैं या फिर आपने अब गिव अप कर दिया है? आपका आकलन, असेसमेंट क्या कहता है? कम्युनिस्ट पार्टी कभी अपने हौसलों को बुलंद ही रखती है और कभी गिव अप नहीं करती। हम लड़ाई लड़ेंगे अपने आखिरी बूंद तक, अपने आखिरी लड़ाई को हम अंजाम तक ले जाएंगे। जनता हमारे साथ है। तो 23 तारीख के नतीजे को समय क्या हुआ कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस भी सेंट्रल में हारती हुई आ रही है। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी ने तो लड़ाई नहीं छोड़ी, लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं सेंट्रल में, लोकसभा के अंदर में। कांग्रेस की हार होने के बावजूद तो हम कैसे हार जाए? लोकतंत्र में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जनता आपके साथ है, कभी आपके साथ नहीं भी रहती है, फिर आपके आंदोलनों में आपके जो आप जनता जनहित ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जनता के अधिकारों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस लड़ाई से जनता जुड़ती है और जनता आपको सराहनीय करती है, तो संसदीय व्यवस्था में आपको भी ले जाकर वो मौका देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज है, लेकिन अपनी अपने विचारधारा को बचाने के लिए, अपने आप की लड़ाई, जनता की लड़ाई, जनता के संघर्षों की लड़ाई, रोजी रोटी बुनियादी सवालों की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा लड़ती है। कांग्रेस से हमारी वैचारिक मतभेद आज भी है, कल भी है। तो हेला साहब, अब आपने ये अच्छी बात बताई, तो ये भी बता दीजिए, आर यू कंटेस्टिंग टू विन और आर यू कंटेस्टिंग जस्ट टू फाइट? हम लड़ाई लड़ते हैं जनता के मौलिक अधिकार, जनता के जो आज जो भुखमरी बेरोजगारी का जो सवाल है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक बहरी सरकार, जो हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक गूंगी बहरी सरकार है, जिसको ना गरीबों से लेना देना है, ना गरीबों के प्रति कुछ सोचना है, उस बेरी सरकार के कानों में धमाका करने के लिए वायनाड की जनता, खटके खाने वाले कमेरा जो वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपना प्रतिनिधि, अपनी आवाज बोलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को चुन कर भेजेगी। और ये अगर हकीकत नहीं है तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कालाधन, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि उनके ही टैक्स के साथ ये लोग खेलते हैं, गरीबों को रोजगार नहीं देते, प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन हर चीजों का कर रहे हैं, देश के संविधान, देश के मौलिक अधिकारों के साथ, जनता के मौलिक अधिकारों के साथ खतरा है। ठीक है, तमाम विषयों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी का ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सांसद, सीपीआई का ही सांसद पार्लियामेंट में जाके जनहित में अपनी लड़ाई लड़ सकता है। ठीक है, ओके डॉक्टर गर्ग साहब, अब वायनाड ये भी एक बात जरूर उठी है और सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय रही। उन्होंने 2024 में, गर्ग साहब, जब आम चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये मांग उठी थी कि प्रियंका गांधी को किसी सीट से कंटेस्ट करना चाहिए, क्या वो समय एप्ट नहीं था? आपको क्या लगता है, एक उपचुनाव के लिए वेट क्यों किया गया और वो भी वायनाड ही सीट क्यों चुनी गई? इसको लेकर के भी कई सवाल उठते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। कुणाल जी, आपने कहा वायनाड, मैं पूछता हूं वाई बनारस, वाई नॉट इन गुजरात? मोदी जी क्यों आए बनारस लड़ने? मैं उस पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न का जवाब प्रश्न से दे रहा हूं। हर राजनीतिक पार्टी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हर नेता का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक प्लानिंग होती है, जिसके अनुसार वो कार्य करता है या पार्टी उसको चुनाव लड़ाने का काम करती है। तो जहां तक बात है प्रियंका जी वायनाड क्यों गई,
तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम चाहते हैं कि हमारे नेता साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह पार्टी का प्रतिनिधित्व करें, इसलिए हमने उन्हें भेजा। जहां तक बात आपने 2024 के इलेक्शन की करी, जनरल इलेक्शन की, कि जब क्यों नहीं लड़ाया, मैंने आपसे कहा मेरे ओपनिंग कमेंट में कि आदरणीय प्रियंका जी पहले चाहती है एक संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। वहां जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, हमें वाइड स्केल पर चुनाव लड़ना था, प्रियंका जी की हमें जगह जगह जरूरत थी, तो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को पार्लियामेंट इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा विजयश्री दिलाने के लिए अपने आप को संगठन के लिए समर्पित किया। आज जब समय आया कि हमें उनकी इतनी जरूरत पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश में चुनाव नहीं है, हम कहीं जाके एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, इसलिए हमने जाके प्रियंका जी ने वहां जाके पार्टी ने उनको वहां भेजकर चुनाव लड़ाने का निर्णय किया। जहां तक मेरे भाई अभी शुभम जी कह रहे थे बीजेपी को लेके, निसंदेह शुभम जी मैं आपकी एक एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भाजपा इस देश में अकलियतों की सबसे बड़ी दुश्मन है, कोई इसमें दोहराय नहीं। भाजपा इस देश के धर्मनिरपेक्षता निभाने को तोड़ना चाहती है, उसको खत्म करके अपनी रोटी अपनी वोट की राजनीति करना चाहती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शुभम जी मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी और हम भी इस देश के संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष ताने बाना है उसको मजबूत करना चाहते हैं, और हम सबको मिलकर इसके लिए इस देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता और संविधान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता था, हमारी पार्टी उम्मीद करती थी कि भाजपा इस चेहरे को चरित्र को उजागर करने के लिए बेहतर होता कि आप वहां उम्मीदवार देने की बजाय आदरणीय प्रियंका गांधी जी का समर्थन करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपकी इस पार्टी की स्ट्रेटेजी है, इस पर मैं कुछ आगे कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर मैं आपसे कह देता हूं कुणाल भाई कि ये चुनाव केवल और केवल अब इस बात का रह गया है कि प्रियंका जी कितने अधिक मार्जिन से पार्लियामेंट में जाने बैठने जा रही हैं। इसके अलावा वायनाड की जनता ये सुनिश्चित कर चुकी है कि उनका अगला सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी हो। ओके, आप नहीं कहना चाहते हो डॉक्टर साहब अलग बात है, लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया और हम जरूर पूछना चाहेंगे। हेला साहब आप एक बात बताइए और यह भी क्लियर कर दीजिए कि भाई आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम आपका इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ से देखते हैं, इंडिया गठबंधन में भी आपका इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ है, आप साथ में ही एक तरह से रहते हैं, ऐसे में आपका बड़ा दुश्मन कौन है हेला साहब, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? कीपिंग नेशंस इंटरेस्ट इन माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ये बता दीजिएगा, और उसके बाद ही सवाल आएगा यदि इन दोनों में से कुछ अलग होता तो फिर आपने कैंडिडेट क्यों उतारा, जो गर्ग साहब बोल रहे हैं। हेला साहब देखिए सर, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, हम हमारे संविधान में जो हमारा ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष को एक फेडरल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ऑब्वियसली हर राज्य की जनता, हर राज्य की लड़ाई, हर राज्य की मांगे, हर राज्य के खान पान, ये जो फेडरल कल्चर के ऊपर जो संघीय ढांचे के ऊपर जो भाजपा का हमला है, इस हमले को समझिएगा पहले। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही हम कि हम सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं, बस आपसे हम उम्मीद थे कि आप इस समर्थन करें। जरूर केरल में तो हमारी सरकार थी, पूरे देश में तो आप है, आपको तो समझना चाहिए था कि आप केरल में कम्युनिस्ट पार्टी है तो चलो हम वहां पे नहीं लड़ते। और लड़ने और नहीं लड़ने की बात है कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी तो अलग अलग पार्टी है, इतिहास है इनका, हमारा देश की आजादी से लेकर देश को बनने, देश में मजदूरों के आंदोलन, सब चीज में हम अलग अलग पक्ष रहे हैं, हमारी अपनी विचारधारा अलग है, सब कुछ अलग है, हम हमारी लड़ाई अलग है। लेकिन आपने जब पूछा कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये देश का दुश्मन सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी है। पॉलिटिकल हम कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी विचारधाराएं कल भी अलग है, आज भी अलग है, परसों भी अलग रहेगी। कांग्रेस के शुरुआती दौरों से, जब से कांग्रेस की जब से देश में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर कांग्रेस की सरकार के खिलाफ ही कम्युनिस्ट पार्टी झंडा बुलंद करके गरीब मजदूर के हित की लड़ाई लड़ती रही है। वो अलग बात है, हमारी वैचारिक हम वैचारिक रूप से अलग है, और ये संसदीय व्यवस्था की जो प्रणाली है उसमें पक्ष विपक्ष का होना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कांग्रेस के सरसंघ के खिलाफ में कम्युनिस्टों की लड़ाई थी, और कांग्रेस ने बहुत सारी मांगों को, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लड़ाई को सराहना किया और बहुत सारी मांगों को पूरा भी किया है, कहीं हमारी लड़ाई भी हुई है। ये संसदीय व्यवस्था जो है, जिस संसदीय व्यवस्था की वकालत बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के हमारे देश के तमाम जो बड़े बड़े लोग थे, महापुरुष थे, उन्होंने की थी, और इसी व्यवस्था की खूबसूरती है कि दो पक्ष
है तो दो लड़ाई है, दो विचारधाराएं हैं। वो ठीक है, आपने आपने हेला साहब अच्छी बात कही कि ठीक है आप दोनों की विचारधारा, आपकी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है, लेकिन आपने ये भी पॉइंट उठाया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि ऐसा है तो आप हमारी पार्टी का, मेरी बात सुनिए कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की दुश्मन नहीं है, संघीय ढांचे की दुश्मन है। आपने ये की दुश्मन है जिस देश को प्राइवेटाइजेशन के हाथों में देकर, समझ गया आपकी बात, के हाथों में देकर इस देश के गरीबों के ऊपर में टैक्स लाद के और ये लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये लोग सरकारी रूप से, मैं समझ गया आपकी बात, आपके बतौर पर संघीय ढांचे की दुश्मन है। तो यदि ऐसा है तो आपने कांग्रेस के साथ कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा क्यों नहीं बनाया, दोनों किसी एक कैंडिडेट पर क्यों नहीं सहमत हुए, आप दोनों लड़ करके आप उन्हीं को तो मजबूत कर रहे हैं ना हेला साहब। मेरी बात नहीं, तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारी वैचारिक, हम कांग्रेस और हम अलग है, हमारी अलग अलग सिद्धांत है। हम तो आज भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जहां बात सेकुलरिज्म की आती है, जहां बात इस देश के संविधान को बचाने की आती है, संघीय ढांचा को बचाने की आती है, वहां जो पार्टी इस चीज की वकालत करेगी, जो पार्टी इस पक्ष का समर्थन करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कमेरों की पार्टी, मजदूर वर्ग की पार्टी, अपने मजदूरों के हित को साधने के लिए, मजदूरों के जो अधिकार है, जैसे ये नए श्रम कोड जो लागू किए जा रहे हैं जिससे मजदूरों का आराम हो जाएगा। ठीक है, हेला साहब, असेंबली इलेक्शंस नहीं है ना, ये तो लोकसभा का उपचुनाव है, ऐसे में तो फड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए था। खैर, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर गर्ग साहब आपके पास से। अब चुकी प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में अपने सफर का आगाज कर चुकी हैं, आप आने वाले भविष्य में, ऐसे भविष्य को तो पढ़ना किसी को आता नहीं है, कोई भगवान है नहीं, लेकिन जो चुनावी भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है इस देश का, उसमें प्रियंका गांधी की प्रासंगिकता को कैसे आंकते हैं क्विकली? कुणाल जी, आने वाला जो संसद का सत्र है, शीतकालीन सत्र, आप उसमें देखेंगे कि प्रियंका गांधी के रूप में एक संविधान को मजबूत करने वाली, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने वाली, अकलियतों, गरीब और दलितों की आवाज को बुलंद करने वाली एक आवाज बुलंदी के साथ गूंजेगी। और इस देश की जो भाजपा की सरकार है, संविधान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता की विरोधी है, उसको कहीं ना कहीं घेरने के लिए, मजबूर करने के लिए का काम करेगी और इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम करेगी। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, इस देश की का जो संविधान है उसको मजबूत करने का काम करेगी। ओके, तो आपने तो पहले ही बताओ एकदम कॉन्फिडेंट तौर पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि सदन में वो जरूर पहुंचेंगी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ है, जो बेहतर है वो जीते। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, बहुत शुक्रिया। तो आखिरकार वायनाड की जो जंग है, आज वहां पर वोटिंग हो रही है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे और उसी के साथ प्रियंका गांधी की जो चुनावी एंट्री है वो किस रास्ते जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ा सस्पेंस उसके ऊपर ही टिका हुआ है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।